हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राठौर फैमिली। आज हम आपको लेकर आए हैं कनखल दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ माँ सती से जुड़ा हुआ एक कथा है कि माँ सती का यहाँ जीवन बीता। माँ सती जो थी दक्ष की कन्या थी और भगवान शिव की पत्नी थी। यहाँ से एक भगवान शिव से एक कथा जुड़ी हुई है कि जब राजा दक्ष एक बड़े ही प्रतापी राजा थे और बड़े ही पैसे वाले राजा थे, उनका जब प्रताप बढ़ता चला गया तो उन्होंने एक यज्ञ कराने की ठानी और यज्ञ कराया और उनको बड़ा घमंड हो गया था अपने उसका धन संपत्ति का। तो उन्होंने उसमें शिव भगवान को नहीं बुलवाया। माता सती भी उस यज्ञ में आई और भगवान शिव को वहाँ ना देख कर वो उस हवन कुंड में ही माता सती ने अपने आप को उसमें ही भस्म कर दिया और इससे भगवान शिव को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने एक अपनी शक्ति से एक उसको वीरभद्र को पैदा किया और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाके अभी दक्ष की सेना और दक्ष को अभी ख़त्म कर दो। तो वीरभद्र ने जो शिवगण थे उनको अपने साथ लेकर के उस दक्ष राजा दक्ष का सर काट दिया और उसकी सारी सेनाओं को मार दिया और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। तो जो देवी देवता थे उन्होंने बड़ी विनती की शिव भगवान से और कहा कि इनको दोबारा पुनर्जीवित करें। तो उनको पुनर्जीवित किया गया और उनके सर पे बकरे का सिर लगाया गया और भगवान शिव माता को यहाँ से उठाकर ले जा रहे थे। तो माता के जहाँ जहाँ अंग पड़े वहाँ शक्ति पीठ हैं सब जगह आज। और ये मंदिर उसी कथा से जुड़ा हुआ जो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ दिखाएंगे आपको कैसा कैसा यहाँ मंदिर में क्या क्या यज्ञ भी दिखाएंगे जहाँ माता ने अपने को हवन में डाल दिया था। ये दो शेर भाई, ये रिशु माता के यहाँ दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में ही ये सारी मूर्तियाँ और पोशाक की ड्रेस हैं, माला भी हैं। यहाँ रुद्राक्ष की माला बहुत सारी हैं और आप आएंगे तो यहाँ रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष सारे अच्छे तरीके के अच्छे और ओरिजिनल मिल जाते हैं यहाँ। और जो माता के ये जो शेर हैं यहाँ के अट्रैक्शन को, इस मंदिर के आकर्षण को और बढ़ाते हैं और इसमें चार चांद लगाते हैं दो शेर और इनसे बड़ा ही अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ का। इसमें कई मंदिर हैं, बृहणेश्वर महादेव मंदिर, दक्ष यज्ञ स्थान और कई मंदिर अभी आपको दिखाएंगे चल के अंदर कैसा यहाँ का नज़ारा है। सामने जो मंदिर है ये दक्ष महादेव महाविद्या मंदिर है और ये ब्रह्म महादेव जी मंदिर है इसी दक्ष मंदिर के अंदर ही। और ये दक्षिणेश्वर महादेव पंचायती अखाड़ा मंदिर और ये दक्ष यज्ञ कुंड जहाँ राजा दक्ष ने कुंड ये यज्ञ किया गया था। यहाँ एक कुंड बना हुआ है, वो यही जगह है, ये स्थान है, यहीं बना था। और ये भगवान का शिव का मंदिर, आराधना सत्य शिव साधना मंदिर। और अब हम अंदर जा रहे हैं प्रवेश द्वार से और इसका सारा मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे आपको, कहाँ क्या मतलब कि इसमें यज्ञ कहाँ हुआ था और कहाँ यज्ञ कुंड है और मंदिर के क्या कैसा नज़ारा है, कौन कौन सी मूर्तियाँ। और उसके बाद गंगा का जो वो है स्थान जहाँ दक्ष घाट है उसको भी दिखाएंगे जाके, वहाँ माँ गंगा के चरण हैं अभी, वो वहाँ भक्त अपना उसकी पूजा करते हैं। और ये श्री राम दरबार मंदिर है, ये श्री गंगा जी का प्राचीन मंदिर है। और यहाँ जो पेड़ हैं कई, इनकी भी मान्यता ऐसी है कि उसी 1310 ईस्वी में इस मंदिर को रानी धनकौर ने बनवाया था और उसके बाद 1810 में इसका पूर्ण निर्माण हुआ और इसको पूरा ये एक तरीके से अच्छे तरीके से बनाया गया। और ये जो वृक्ष है यहाँ बड़ का, ये उसी टाइम का है, बहुत पुराना वृक्ष है और इसमें कई वृक्ष जब भी उसी टाइम के हैं। अंदर जा रहे हैं गाइस, गाइस अभी हम उस ये वो स्थान है जहाँ माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया था कुंड में। ये वो कुंड है, ये कुंड है, वो सती कुंड बोलते हैं इसको।
इसी को बोलते हैं सती कुंड। ये माता शेरावाली की मूर्ति भी है सामने, एक इसी को सती कुंड बोलते हैं। ये दक्षिण से महादेव मंदिर के अंदर जा रहे हैं गाइस। ये कपिल मुनि हैं जो भगवान राम के वंशज थे, ये उन्हीं का ये बना हुआ फोटो। और अंदर हम मंदिर में, वैसे तो यहाँ मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी हम आपके खातिर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। कहा जाता है कि ये नंदी भगवान, अगर जो इनके कान में जो भी बोला जाए वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्वयं प्रकट है शिवलिंग यहाँ भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हम अंदर जा रहे हैं अभी। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, दक्ष अवतारों के भव्य दर्शन है यहाँ। जो 10 अवतार हैं लक्ष्मी नारायण जी के, वो उनके आपको दर्शन कराएंगे। अगर जो किसी पंडित ने मना नहीं किया तो ठीक है, नहीं तो दर्शन जरूर कराएंगे आपको। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, माता विष्णु भगवान और लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और नारायण भगवान यहाँ विराजमान है इस मंदिर में। ये गरुड़ देवता बाहर, ये गरुड़ देव आ जाओ। यहाँ मंदिर के बाहर भी ये दुकानें लगाई गई हैं, और यहाँ भी रुद्राक्षी माला, ये कपड़े, कान्हा जी के कपड़े और सिंदूर, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ। यह माँ कालेश्वर और माँ काली देवी का मंदिर है यहाँ, आ जाओ। अंदर भी है अंदर। ये भैरवनाथ है ना, भैरव का हनुमान जी है। ये हनुमान जी और भैरव जी का साथ मंदिर है। ये प्राचीन शीतला माता मंदिर, माता शीतला का मंदिर। जय माता जी, माता जय माता जी। गाइज, ये काली माता का मंदिर दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ, और बड़ी मोहक मूर्ति है माता रानी की। और इसी मंदिर के बाहर यहाँ अगर जो आप कुछ दान देना चाहें तो यहाँ कुछ साधु बैठे हुए हैं, जो जिनको आप दान देकर पुण्य कमा सकते हैं, इनको खाना भी खिला सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। तो ये यहाँ बैठे हुए हैं, और ये अभी हम आपको ले जा रहे हैं अंदर की तरफ। अंदर जो वो है मंदिर या जो भी है वो दिखाएंगे आपको चल के अभी क्या है इसमें। ये है शिवलिंग भगवान शंकर भगवान का यहाँ। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर से हम यहाँ विवेकानंद पार्क में आए हैं, और इसी पार्क के अंदर ही शिव भगवान की, शंकर भगवान की एक बहुत ही आदमकद मूर्ति बनी हुई है। इतनी ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है हरिद्वार का, और ये अच्छी मूर्ति है। गाइज, आज दक्षिणेश्वर महादेव जी का मंदिर का व्लॉग यहीं हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें राठौर फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।